आज हमारे 60 से ज्यादा उम्र वाले, हमारे वो बुजुर्गवार भाई बहन जो कोमोर्बिड है, मतलब उनको और भी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इस तरह की और बीमारियां हैं, उनको आज से कपिकासन डोज शुरू हो रहा है। मुझे एक बात के लिए अपने प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना है। मध्य प्रदेश कोविड के प्रहार को इसलिए झेल पा रहा है कि हमने वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम बहुत अच्छा किया। प्रदेशवासियों को मैं बधाई देता हूं, अपने प्रशासन को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, और टीकाकरण के काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा फर्स्ट डोज, पहला डोज 96.16% लोगों को लग चुका है, 96.16%। अभी ऑलमोस्ट 100% इसलिए है कि 3-4% लोग तो हमारे प्रदेश में नहीं है, कोई बाहर काम के लिए गया है तो उनका वहां वैक्सीनेशन हो गया होगा। तो मैं ये मानता हूं लगभग पहला डोज हम लगभग अपवाद छोड़ के सभी पात्र बहनों भाइयों को लगा चुके हैं, कि हम दूसरा डोज भी 92% लगा चुके हैं। ये 92% इसलिए हुआ कि कुछ का जो समय पूरा होना चाहिए 28 दिन का, वो पूरा नहीं होता फर्स्ट डोज के बाद, तो उनको 28 दिन के बाद ही लगता है, उसको भी हम लगातार लगाते चले जा रहे हैं। और एक बात और मैं प्रसन्नता के साथ और आनंद के साथ कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ, 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों, वो भी 46.38%, 40.38% बेटा बेटियों को लग चुका है। और हमारी कोशिश है कि 15 तारीख तक इसको भी हम खत्म कर दें, और उसका ये असर है कि कोविड का संक्रमण अगर हो भी रहा है तो वो ज्यादा भयानक नहीं हो रहा। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने ढंग से टीकाकरण का काम किया है, ये सावधानी, मास्क की, भीड़ भाड़ की अनावश्यक, वो अगर रोक के रखी, डिस्टेंस हमने ठीक से बना के रखा, तो हम तीसरी लहर तो आ गई है लेकिन उसकी भयानकता को हम रोक पाने में सफल हो पाएंगे। और इस समय यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, कोविड को हराना, जिंदगी जीते, इंसान जीते, और इस महामारी पर हम विजय पाएं, इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।